बीट्स के अंदर वेन टू हार्मोनिक वेव्स मीन साइन कॉस वाली हार्मोनिक वेव्स हैं नियरली ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. मैं इंपॉर्टेंट इसको अंडरलाइन कर लेना, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है, नियरली ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. जैसे एक की फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो दूसरे की 55 है, एक की 50 है 60 है, पर ऐसा नहीं है कि एक की 50 दूसरे की 550 है, नहीं फिर नहीं, फिर बीट जनरेट नहीं होंगे. नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, बट डिफरेंस होना जरूरी है, सेम फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं चलेगा काम. नियरली ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन अ मीडियम अलोंग द सेम डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट, डिफरेंट नहीं, सेम डायरेक्शन. क्योंकि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वो स्टैंडिंग वेव बनाएंगे, सेम डायरेक्शन है तो बीट्स बनेंगी. सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, दोनों पे मिल जाती हैं. द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट साउंड, तो इंटेंसिटी समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी होता है, तो साउंड की एनर्जी इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ मीडियम राइजेस एंड फॉल्स पीरियोडिकली विद टाइम. पीरियोडिकली साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती है, साउंड ऊपर हो जाती है फिर लो हो जाती है, फिर ऊपर फिर लो, फिर ऊपर फिर लो, एक तरीके से फ्लक्चुएशन हो जाती है साउंड में. लो मीन्स साउंड रुक जाती है, तो फ्लक्चुएशन होती है. दिखाऊंगा अभी, सुनाऊंगा अभी कैसे, ठीक. इसको हम क्या बोलते हैं, बीट जनरेट हो गई. अब ये हो क्या रहा है, साउंड ऊपर नीचे क्यों हुई, इसका एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे दो तरीके से. पहले तो किताबी तरीका, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल तरीका कि कैसे इमेजिन करना है आपने, वो बताऊंगा आपको. तो बीट्स में कुछ नहीं है, दो वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन नियरली सेम फ्रीक्वेंसी मिल गई और नई वेव बन गई. नई वेव की इंटेंसिटी बढ़ेगी और कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, पीरियोडिकली, इसको बीट बोलते हैं. इंटेंसिटी थोड़ा बड़ा वर्ड है, इंटेंसिटी समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया होता है वैसे वेव का, पर आप एनर्जी मन में सोच सकते हैं. इंटेंसिटी वर्ड हम कम यूज कर रहे हैं अभी, हम ये प्लस टू में ज्यादा यूज करते हैं. इसमें हम एम्पलीट्यूड ज्यादा यूज करते हैं. जैसे अगर एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड इतना है और दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड सिर्फ इतना है, तो एम्पलीट्यूड हाई है साउंड हाई है, लो है साउंड लो है, आवाज कम आएगी, इसमें आवाज ऊंची आएगी, ऊंची आएगी तो साउंड के एयर के पार्टिकल ज्यादा ऑसिलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी ज्यादा है. तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा है, एम्पलीट्यूड कम है तो इंटेंसिटी भी कम है. और वैसे बता दूं प्लस टू में करेंगे, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, रूल है. किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है ना उसके एम्पलीट्यूड स्क्वायर के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये याद रखना है इसमें, ठीक है. यहां तक तो नॉर्मल, अगर सिंपल तरीके से समझाना है आम इंसान को, आप ऐसा बोल सकते हो कि साउंड की इंटेंसिटी बढ़ गई, आपके साउंड की एनर्जी बढ़ गई, बात समझ में आ जाएगी. पर एम्पलीट्यूड आम भाषा में समझाना बड़ा मुश्किल है, पहले उसको फिजिक्स आनी चाहिए. आप समझाओगे पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो क्या रहने दे, मेरे को नहीं समझना. तो एनर्जी समथिंग ईजी समझ में आती है, तो इसने वर्ड इंटेंसिटी बोल दिया. वैसे एम्पलीट्यूड बोलना चाहिए, एक ही बात है, लेकिन एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी तो प्रोपोर्शनल है ही, अगर एक लो होगा तो दूसरा भी लो होगा, एक ऊपर जाएगा दूसरा भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है यहाँ तक. अब देखो इसमें बीट्स के अंदर क्या होता है, हम ना फॉर्मेशन ऑफ बीट्स करते हैं. एक तरीका है ग्राफिकल तरीका, ग्राफिकल तरीका कुछ नहीं है, आपने एक वेव ली जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, एक और वेव ली जिसकी फ्रीक्वेंसी 40 है, दोनों मिल गई, मिलके एक नई वेव जनरेट हो गई जिसका एम्पलीट्यूड देख रहे हो कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो. बेसिक सा डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम क्या बनता है अभी दिखाऊंगा आपको, कैसे बनता है, कैसे सोचना कैसे है. तो ये फॉर्मेशन ऑफ बीट्स है बाय ग्राफिकल मेथड, लेकिन आपको एग्जाम में अगर आया तो मैथमेटिकली या एनालिटिकली पूछेगा कि वेव बीट जनरेट करके दिखाओ और बीट की फ्रिक्वेंसी भी बताओ क्या होगी. तो आपने ये डेरिवेशन ऐसे करनी है, आपने दो या दो से ज्यादा वेव्स भी बीट जनरेट करती हैं, पर हमने दो ही लेनी है. तो पहली ये वेव है वाई वन इज ए साइन 2π बाय लैम्डा 1 वी टी माइनस एक्स, वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फिर आपने क्या करना है, लैम्डा 1 को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देना है. फिर आपने क्या करना है, v बाय लैम्डा 1 फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, ये आपकी पहली वेव की इक्वेशन है. एक और वेव लेनी है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड भी a लेना है, फ्रीक्वेंसी लेकिन थोड़ी डिफरेंट लेनी है, कितनी लेनी है, न्यू 2 लेनी है और लैम्डा 2 लेना है. दो बीट दो वेव जनरेट हो रही हैं, इन्हें क्या करवाना है, सुपर इम्पोज. देखो सुपर इम्पोज करने का मतलब दोनों की वेव को ऐड कर देना और नई वेव जनरेट करना, जैसे हमने स्टैंडिंग वेव में भी किया था. पर
सुपरइम्पोज हम कहां करवा रहे हैं, यहां पर x डिस्टेंस पे करवा रहे हैं। जब वेव x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो इसकी y की वैल्यू है, दूसरी वेव भी x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसकी y की वैल्यू है। हम थोड़ा सिंपल करते हैं, हम x को जीरो पुट कर देते हैं। जीरो मींस जहां से साउंड जनरेट हुई पहली और दूसरी वहीं पे वो मिल गई, मिलके आगे चली। एक तो होता है आगे जाके मिली, आगे जाके क्यों मिलाना, जहां से जनरेट हुई पैदा हुई वहीं मिला दो। यानी कि आप सुपर पोजिशन कहां करवा रहे हो, ओरिजिन पे, जहां पे वेव का ओरिजिन है, एक्स इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट होता है, वहां पे सुपर पोजिशन करवा दो। तो ये दो वेव की इक्वेशंस हैं, इजी बनाने के लिए एक्स को जीरो ही पुट कर दो। तो आपके पास दो बड़ी छोटी छोटी वेव्स आ जाएंगी, ये पहली वेव की इक्वेशन है और ये दूसरी वेव की इक्वेशन है। दोनों को ऐड करें और नई वेव निकाल दें, नई वेव सुपर पोजिशन से ये आ जाएगी। मेडिकल के लोग ए कॉमन साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, टू से टू कैंसल, टू से टू कैंसल, ये टर्म आ जाएगी। इस टर्म में ये पूरी की पूरी टर्म जो कॉस वाली टर्म है उसको मान लेते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो जो नई वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और वो ऐसे चेंज हो रहा है। तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसको संभाल के रख लिया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब बीट्स में क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड कभी हाई होता है कभी लो, कभी हाई को बोलते हैं मैक्सिमा, लो को बोलते हैं मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। तो जब ये मैक्सिमा होता है तो कॉस ऑफ, यहां पे करेक्शन करना, ये एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम करना है तो ये टर्म शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस वन। ये गलती, ये टू ए काट दो, टू ए नहीं आएगा यहां पे। तो ये पूरे का पूरा जो एंगल है दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या, प्लस माइनस वन, करेक्शन कर लो, टू ए नहीं आएगा, सिर्फ एंगल आएगा। ठीक है, तो टू ए हटा दिया, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस वन। मेडिकल के लोग याद रखें, ये एंगल मैथ्स में कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस वन कब होता है, जब ये अंदर का एंगल शुड बी इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कैंसल, समय आ गया, टाइम आ गया। तो आप एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री पुट करो, तो टाइम घड़ी जब बीट जनरेट हुई तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे पहला मैक्सिमा था, मतलब मैक्सिमा एम्पलीट्यूड हाई था उस टाइम। फिर एन की वैल्यू वन पुट करो, इतने टाइम पर मैक्सिमा था, टू पुट करो इतने टाइम पे मैक्सिमा, तो इस टाइम पर मैक्सिमा जनरेट हुआ, यानी कि एम्पलीट्यूड हाई था, इंटेंसिटी हाई थी इन समय पे। मिनिमा जनरेट करने के लिए, अच्छा एक और चीज, टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमा, टाइम पीरियड समझते हो, कोई चीज अपने को रिपीट करती है कितने समय पे रिपीट करती है, तो आप किन्हीं भी दो टाइम को माइनस कर दें, आपका आंसर सिक्स आ रहा है, वन अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू। तो टाइम पीरियड है मैक्सिमा का, और फ्रीक्वेंसी का क्या होती है, वन अपॉन टाइम पीरियड, तो वन अपॉन टाइम पीरियड करेंगे फ्रीक्वेंसी न्यू वन माइनस न्यू टू आ गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा का मतलब ये होता है कि अगर पहली फ्रीक्वेंसी 50 है और दूसरी 40 है तो डिफरेंस क्या है, 10। मतलब मैक्सिमा की फ्रीक्वेंसी 10 का मतलब है एक सेकेंड में 10 मैक्सिमा जनरेट होंगे। मतलब जब दो वेव मिलेंगी तो टाइम लेके अब बैठ जाना घड़ी, एक सेकेंड में 10 बार साउंड ऊपर जाएगी, हाई हो जाएगी, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी। अब मिनिमा भी तो कम भी तो होगी, जब कम होगी तो ये अंदर का जो एंगल है ये क्या होना चाहिए, जीरो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो होना चाहिए, क्योंकि लो मीन जीरो, जीरो से नीचे कुछ हो नहीं सकता है, इसमें साउंड यानी कि बंद हो गई। तो मेडिकल के लोग, जीरो तब होता है मैथ्स में जब ये एंगल क्या होता है, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल होना चाहिए, याद करना है, पाई से पाई कैंसिल, टाइम आ गया। फिर एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री पुट करो, एन जीरो पुट करोगे पहला टाइम आएगा, टू पुट करोगे ये आएगा, थ्री पुट करोगे ये आएगा। तो इन इन समय पे एम्पलीट्यूड क्या था, मिनिमम, साउंड बिल्कुल जो हो गई थी, जीरो हो गई थी। किन्हीं भी दो टाइम को माइनस कर दो आगे और पीछे वाले, तो आंसर फिर वही आएगा, रेसिप्रोकल लोगे फ्रीक्वेंसी वही आएगी। जैसे एक वेव की फ्रीक्वेंसी 50 है और दूसरे की 40 है, डिफरेंस क्या है, 10 है, तो एक सेकंड में 10 बार साउंड लो रहेगी। तो मैक्सिमा की फ्रीक्वेंसी आ गई, मिनिमा की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसमें मैंने एक लाइन बना के टाइम को नोट कर लिया, कैसे नोट किया, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ऊपर से आप चेक कर सकते हो पहला मैक्सिमा आया था, चेक करो मैक्सिमम, फिर इतने समय पे मैक्सिमम था, फिर इतने समय पे था, और मिनिमम इतने समय पे था, इतने ऐसे था। तो प्रूफ हो गया कि मैक्सिमा और मिनिमा ऑल्टरनेटिंग जनरेट हो रहा है। देखो मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा
फिर मिनिमा, कोई डाउट इसमें? तो अल्टरनेटिंग है। अब एक बीट किसे बोलते हैं, एक मैक्सिमा होना और एक मिनिमा होना, एक बार साउंड का ऊपर जाना और फिर लो हो जाना, उसको एक बीट बोलते हैं। तो एक बीट का मतलब एक मैक्सिमा और मिनिमा। तो एक सेकंड में कितने मैक्सिमा जनरेट होते हैं, न्यू वन माइनस न्यू टू, और एक सेकंड में कितने मिनिमा जनरेट होते हैं, न्यू वन माइनस न्यू टू, एक सेकंड में एक बीट कितनी जनरेट होगी, न्यू वन माइनस न्यू टू, इसको बोलते हैं बीट की फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि अगर पहली फ्रीक्वेंसी 50 है, दूसरी 40 है, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10। तो एक सेकंड में 10 बीट जनरेट होंगी, और 10 बीट्स का मतलब 10 बार साउंड हाई होगी और 10 बार लो होगी। तो इसमें क्या किया, इसमें हमने दो वेव्स ली, ये पहली वेव है लेफ्ट टू राइट, इसके अंदर लैम्डा वन से मल्टीप्लाई किया, वी बाय लैम्डा वन न्यू हो गया, दूसरी वेव की इक्वेशन में न्यू टू कर दिया, एक्स को उठा के जीरो पुट कर दिया, दो वेव की इक्वेशन आ गई, सुपर इम्पोज कर लिया, नई वेव की इक्वेशन आ गई, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमा करने के लिए कॉस थीटा 1 प्लस माइनस 1 कर दिया, ऐसा एन पाई पे हुआ, टाइम की वैल्यू आ गई। फिर हमने मिनिमा किया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो होगा, जब ये एंगल जीरो होगा, जीरो ऑड मल्टीपल पे होगा, टाइम की वैल्यू निकाल ली। फिर प्रूव कर दिया कि मैक्सिमा मिनिमा ऑल्टरनेटिंग है, और एक बीट की फ्रिक्वेंसी न्यू वन माइनस न्यू टू कर दी। ठीक है यहाँ तक?